खूंटी पुलिस ने 2 लाख का इनामी एरिया कमांडर सनिका उर्फ चोयता उर्फ मोराहा को गिरफ्तार किया। अड़की थाना क्षेत्र के लेवेद जंगल से जिला बल और सीआरपीएफ 94 बटालियन ने सनिका उर्फ चोयता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सनिका उर्फ चोयता एक दशक से नक्सली गतिविधियों में शामिल था। लगातार बड़े बड़े कांडों और नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के कारण झारखंड सरकार ने सनिका पर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था। कल देर शाम हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि अड़की थाना के अंतर्गत एक लेवेद गांव है, उसके आसपास के क्षेत्र में PLFI के कुछ उग्रवादी ब्रह्मशील हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने SP ऑपरेशन श्री रमेश कुमार, SDPO खूंटी श्री अमित कुमार, कंपनी कमांडर अड़की 94 बटालियन कंपनी श्री राजेंद्र सिंह, इन लोगों के नेतृत्व में एक अभियान दल का गठन किया और उसके बाद उस क्षेत्र में एक ऑपरेशन निकाला गया। जो सूचना थी उसके आधार पर जहाँ छापामारी की गई तो वहाँ से हम लोगों को PLFI का एक एरिया कमांडर, जिस पे झारखंड सरकार के द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम घोषित है, उसको गिरफ्तार करने में हम लोगों को सफलता प्राप्त हुई है, जिसकी पहचान सनिका उर्फ चोयता के रूप में हुई। ये विशेषकर अड़की मुरहू एवं तमाड़ थाना क्षेत्रों में एक्टिव रहा है और अभी तक जो बात प्रकाश में आई है इसके विरुद्ध लगभग 22 कांड पूर्व से लंबित हैं, जिसमें कुछ कुछ अत्यंत ही महत्वपूर्ण कांड हैं। उसमें से मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो 2017 में हत्याकांड था, उसके अलावा 2019 में जो मुरहू थाना अंतर्गत माघो मुंडा के परिवार के 3 लोगों की हत्या हुई थी, उसमें भी इसकी भूमिका रही है। और इसको जब पहले भी 2015 के तमाड़ थाना के केस में इसको पकड़ के जब जेल भेजा गया था तो ये उस समय बाल सुधार गृह डुमरदग्गा रांची से भाग फरार हो गया था, उसके बाद PLFI में काफ़ी सक्रिय था और इसकी सक्रियता के आधार पर झारखंड सरकार द्वारा इसके विरुद्ध 2 लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो इसकी गिरफ्तारी से इतने सारे कांडों का खुलासा हुआ है, साथ ही साथ ये खूंटी जिला बल के लिए एवं 94 बटालियन CRPF के लिए जो संयुक्त रूप से अभियान चलाया गया, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी सफलता है।